एकांत में चलते चलते किसी ऊंचे पहाड़ पर लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और बनाने वाले ने ये कैसे किया। ये दुनिया एक सपने जैसा लगता है। एक सपना जो इतना रियलिस्टिक हो कि आप रियलिटी को ही सवाल करने लगते हो। क्या आपका सपना असल में रियलिटी है या आपकी रियलिटी ही आपका सपना है? टू कॉम्प्लेक्स, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। सपने में हम अपनी दुनिया जनरेट करते हैं, फिर हम उसमें ऑपरेट करते हैं और जब हम जगते हैं तो उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, एटलीस्ट हमारे लिए। जेनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, GOD, आई एम द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, और बाकी सब एक सिमुलेशन है, एक इल्यूजन। तो जब हम मरते हैं तो क्या होता है? हम एक हायर रियलिटी में जगते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है, तब तक हमें बस रुकना है। प्रातःकाल को चीजें अधिक स्पष्ट होती है। इस वक्त सारे आयाम संरेखित होते हैं, तब हम अपने अगले रियलिटी में प्रवेश करते हैं। वो सब देख रहा है, वो तेरी मदद जरूर करेगा। आपको कैसे पता मुझे कोई देख रहा है? क्या आप गॉड हो? मुझे लगा मैं ही गॉड हूं। और अगर हम अपने नई रियलिटी को समझने में चूक करें, हम जब जब उठते हैं उसी दुनिया में फंसे रहते हैं। बस बहुत हुआ, ये सब खत्म हो जाएगा। अब मगर उस अजीब घटना ने मुझे कुछ सिखाया। मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि मैं ये समझ ही नहीं पाया हम सब अपने अपने तकदीर के जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है। मैं गॉड हूं। पर हमें ये सब सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। हम सब एक सिमुलेशन है और एक हायर बीइंग हमें ऑपरेट कर रहा है। और मैंने जब ये समझा, मैं आगे बढ़ सका। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में हैं और हम सब एक सिमुलेशन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, सिमुलेशन को ये जानना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये एक फैक्ट है। इट इज़ इन नॉलेज दैट वी आर फ्रीड। यह सब कुछ एक सिमुलेशन है और अलार्म अभी कभी भी बज सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सेट रियल नहीं है और ये कैमरा वो भी रियल नहीं। और अगर आप ये देख रहे हो तो आप